तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के होने जा रहे हैं और बीजेपी में उनका बनाया नियम है कि 75 साल का होने पर नेताओं को रिटायर होना पड़ता है, इसलिए जब पीएम मोदी रिटायर होंगे तो फिर बीजेपी का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम अपने खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मोदी जी पीएम का तीसरा टर्म पूरा करेंगे, 75 की उम्र के बाद भी मोदी जी पीएम बने रहेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना, पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा धार के राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही धार की भोजशाला का जिक्र भी किया। बीडी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का इतिहास बना है, तो प्रधानमंत्री ने भोजशाला का उल्लेख भी कर दिया है। भोजशाला का भी जल्द निर्णायक फैसला आएगा और जल्द निर्णय होकर जनता की आवाज पूरी होगी। भव्य राम मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इतिहास बनाए, तो भोजशाला के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख कर दिया है, भोजशाला भी जल्दी ही निर्णय होकर के इस क्षेत्र की जनता की आवाज जो है वो पूरी आवाज पूरी हो। देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है, इनका इनका सिक्का खोटा और जनता से कह रहे हैं नोटा। जनता ने जवाब दे दिया है कि कोई नोटा वोटा नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर में रोड शो किया और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में वोट मांगे। इस मौके पर बीडी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रचार अभियान थमने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया और आखिरी सभा में बीजेपी के दिग्गज लगातार ताकत झोंक रहे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर पहुंचे हैं और यहां के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बात करने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब, चुनाव अभियान अब थमने वाला है, आखिरी सभा में किस तरह की ताकत? आज आप देख रहे हैं कि मैं देवास लोकसभा के आगर में पहुंचा हूं और इस रोड शो के अंदर जो अपार जन समर्थन और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये साबित करता है कि देवास शाजापुर हर बूथ पर कमल खिलेगा, 29-29 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस बार 400 पार के नारा पूरा करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, चौथे चरण में और बढ़े, इसलिए और बढ़ेगा। क्योंकि हम सब ताकत के साथ लगे, कार्यकर्ता बूथ पर किस तरह के तैनात रहेंगे ताकि अधिक से अधिक मतदान हो? हर बूथ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तैयारी के साथ जुटे हैं
और हर बूथ पर कमल खिलेगा, प्रत्येक बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इस बार के चुनाव में देखें तो उमंग संगारो जीतू पटवारी की साख भी दांव पर है, उनके इलाके में चुनाव है। इस बार पहले भी सुपड़ा साफ हुआ, इस बार भी होगा और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी। क्या लगता है कि जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की गई हाल ही में, जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर का बयान आया या पहले जो पाकिस्तान परिस्थ मानसिकता के लोग हैं, जब चुनाव में हारते हैं और इनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक रहा है, तब कांग्रेस योजना से इस प्रकार के बयान देता है, दुर्भाग्यजनक है। देश की जनता ने तय कर लिया है मुस्लिम परिस्थ मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग और पाकिस्तान परिस्थ मानसिकता के लोगों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिक से अधिक मतदान इस चरण में होगा और बड़े कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा मैन तबर के साथ शैलेंद्र सिंह जी आगरा। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के खाचरेत में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में जनसभा की और उन्होंने कहा कि अनिल भी दिल्ली जा रहा है और आपका मामा भी दिल्ली जा रहा है और प्रयास रहेगा कि लाडली बहनों को लखपति बनाए। मैंने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एक पार्टी रो रही थी कांग्रेस, उनको निमंत्रण दिया आ जाओ जीवन धन्य सशक्तिकरण के लिए।